सनी सनी, अबे उठ जा, ईद की तैयारी कर, नमाज हो रही है यार। चार बजे उठाऊं सोया हूँ। बीच वाला साला, लाल साला। जो नालो शाये तले ता पता है मतलब किया तेरा नाम की है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू 80 ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जी ब्लॉग करते हैं शुरू, लेकिन ब्लॉग शुरू करने से पहले मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। तो जी अभी हो रही है ईद नमाज की तैयारी, ठीक है। 6:30 बजे का टाइम हो गया है, 7 बजे या 7:30 बजे नमाज है। आधा घंटा या पौना घंटा है हमारे पास। इसमें हमने कपड़े प्रेस करने हैं और नहाना है। कपड़े मैंने वाइफ को बोला है, वो गई है नीचे कपड़े प्रेस करने। लेकिन इशू ये है अभी कि साले मेरे उठ नहीं रहे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा उनको उठाया, लेकिन ईद नमाज उनको पता ही नहीं कि कोई ईद है यार। बंदा उठ जाता है यार, कोई ईद नमाज पढ़ लेता है। चलते हैं, उठाते हैं, कोशिश करते हैं, उठ जाते हैं तो फिर उसके बाद नमाज पे चलते हैं। अगर नहीं उठते तो भाई अकेले जाते हैं, हम जाकर उधर नमाज पढ़ते हैं। सनी भाई, सनी सनी, अबे उठ जा, ईद की तैयारी कर, नमाज हो रही है यार। 4 बजे उठाऊं सोया हूं। 4 बजे सोया तो नहीं जाना। A few inches later, जल्दी जल्दी प्रेस कर यार, देर हो रही है नमाज में, जल्दी जल्दी मैं रेडी हो चुका हूँ। तो अभी निकलते हैं मस्जिद के लिए, नमाज के लिए। तो मस्जिद में जाकर आपसे मिलते हैं। मस्जिद एक तो वो सामने है, जो वो मीनार आपको नजर आ रहा है सामने, एक वो मस्जिद है, एक इस तरफ मस्जिद थी। अब यहाँ पे अभी हो रहा है 7 बजे का टाइम। तो जो ये वाली मस्जिद है ना, इसमें है तकरीबन 7:30 बजे नमाज। तो इसी में चलते हैं, और ये करीब भी है मस्जिद, यहाँ पे चलते हैं, नमाज अदा करते हैं। लगे कि मैंने मगरिब की नमाज पढ़नी है, तो मैंने बाहर देखा कि शायद वक्त हो गया है। एक है नमाज का इंतजाम, एक है नमाज का नूर। नमाज का नूर जब सीने में दाखिल होता है, उसकी निशानी यह है कि जब अजान की आवाज आए तो बंदा फरमाया वो बेचैन हो जाए। फरमाया जो बेचैनी है, इस बात की दलील है कि अल्लाह इसके सीने में अल्लाह का नमाज का नूर दाखिल था। अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली ईद नमाज हमने पढ़ ली है। और आप भी बस के दिल की गहराई के साथ बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो बाकी घर चलते हैं और घर जाकर से मिलते हैं। तो कोई जान पहचान भी नहीं, साले भी सोए हुए, उनको तो परवाह ही नहीं कि ईद नमाज है, क्या है क्या नहीं है। जाते हैं घर, जाके सालों से भी ईद मिलते हैं और बच्चों से मिलते हैं। तो बहुत दुख हुआ ये कि मैं ईद जो है वो सिन करता, और इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे वालिद साहब भी साथ होते, दोस्त यार भी साथ होते। इधर तो मैं ना कोई जान पहचान ना कुछ, साले हैं वो खुद नमाज नहीं पढ़ रहे भाई। बात है सीधी, मैंने उनको उठाया भी लेकिन वो उठे नहीं है। तो जूल ही था यार आना मेरा। A few inches later, ईद मुबारक। अभी उठे हो? नमाज पढ़ने गया था आपको, काफ़ी उठाया, उठे ही नहीं, कोई भी नहीं उठा। चलते हैं बार। अरे गुड़िया मेरी, आज ठीक हो? कब उठी? अभी उठी हो? चलो A few inches later, बस तो मैं अभी ऊपर बैठा हूँ रात वाली वीडियो अपलोड करने के लिए कि वो अपलोड हो जाए, क्योंकि सिग्नल प्रॉब्लम है नीचे, इसलिए ऊपर आया हूँ कि यहाँ पे अपलोड हो जाए। तो जो तीनों साले हैं उसमें सबसे छोटा साला मेरा ये है, ठीक है। इसका इंट्रो भी आपको करवा देता हूँ, ये सबसे छोटा साला है। अब इससे बड़े वाले को बुलाते हैं, फिर उससे भी बड़े वाले को बुलाते हैं, तीनों को साथ मिला के एक तस्वीर खिंचाते हैं, वो मैं थंबनेल में लगाऊंगा। आ गया जी, ये भी आ गया, ये आ गया बीच वाला साला, बीच वाला साला, लाल साला, लाल चड्डा। ओए आखिरी साले,
अरे कहना क्या चाहते हो? सना सना बोला उसको नीचे बुला लो। यार मेरी बात सुनो, आपका अपना इख्तलाफ होगा ना, आपस में होगा यार, मेरे साथ तो किसी के साथ नहीं ना है। आप इसके ऊपर बैठे मारो, आप भले एक दूसरे को भले फौशे मारो मुक्के मारो, लेकिन यार मैं शानी शानी भाई आ जाओ। अच्छा आज हमने प्लान ये बनाया है कि मेरे सुसर के कब्र पे भी जाना है, वहां पे कब्रिस्तान पे जाना है। अबे बाप पे हंस रहे हो बेशर्मो, बेशर्म बेगर तो प्योर है सर, कबर ते तो कबर ना का मजार कहां की बकबरा का रोजा कहां। बात सुन तो अभी हम जाएंगे कब्रिस्तान, ठीक है, वहां पे फूल वगैरह लेंगे, फूल चढ़ाएंगे, साथ में तुझे भी दफनाएंगे वहां पे। गजब बेइज्जती है कि तू भी मर जान छड़े मारी। अच्छा जी बस तो रिक्शा आ गया है हमारा, आपसे बच्चों को भी नहीं मिलाया मैंने, बच्चे भी आते हैं तो फिर उनसे भी मिलाते हैं आपको। और ये उस्मान, उस्मान ये है, और ये है हमारी प्यारी सी जन्नत। जन्नत कैसी हो? ठीक हो उस्मान, तुम कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह I'm fine and you? Also fine. अच्छा जी छोटी पता नहीं ये सामने इसने दोस्तें बनाई है इस घर में, ठीक है। छोटी मेरी की ऐसी आदत है जहाँ भी जाती है वहाँ दोस्तें अपनी बना लेती है, तो अभी समझ नहीं आ रहा कि वो है कहाँ पे, काफ़ी सारा ढूंढ रहे उसको, मिल नहीं रही, पता करते हैं फिर जैसे ही आती है तो फिर आपको उससे मिलाते हैं। आज ड्रेसिंग देखे कैसे किया है माशाल्लाह। तो इसको अंदर बिठा दो, अंदर बिठा दो उसको। ओए हाँ ओए गला खराब है तेरा रहमान, गला खराब है तेरा। जब आ जाओ हमारी बस से बात करो। हाँ तो सही ये, और ये क्या किया आपने मेकअप के साथ? ये आपने मेकअप किया तो क्या कर दिया आपने? अच्छा विवाह से बात करो, बात करो मेरी वजह से। अच्छा जी बस तो फाइनली कब्रिस्तान में हम पहुंच गए। ये कब्रिस्तान है चमन शाह, इसका नाम है चमन शाह कब्रिस्तान। तो दिखा भी देता हूँ, ये देखिए लिखा हुआ है इस पर चमन शाह कब्रिस्तान, यही इसको मतलब कहते हैं। तो खैर जाते हैं अंदर, लेकिन उससे पहले फूलों की पत्तियाँ लेते हैं और उसके बाद जो है अंदर जाके उनकी कब्र पे ये फूलों की पत्तियाँ जो है वो चढ़ाते हैं। या फिर तू ही ले आ यार, फूल ले ली है ना आपने? हाँ तो यार अगरबत्तियाँ ले आओ जाके, जाओ ले 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 चलता हूँ। अच्छा जी व्यूअर्स तो पहुँच चुके हैं सफरे आफत में, मरना तेरे को डर नहीं लगता? चले जी चले 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 चले। बुलबुल आपका नाना ये? हाँ अच्छा, कब्रिस्तान को इन कब्रों को देख के इंसान को कुछ मतलब के सोचना चाहिए, और हमें भी सोच आती है कि यार दुनिया में क्या इंसान हासिल कर सकता है, कुछ भी नहीं। इतनी चीज़ों के साथ इंसान भागता है, उनके पीछे भागता है, दौलत के पीछे भागता है, इज्जत के पीछे भागता है, लेकिन आखिर भाई यही नसीब होना है। ये देखें हम फाइनली दुआ भी हो गई, अगरबत्तियाँ भी लगा दी, फूल भी चढ़ा दिए, अब जा रहे हैं। अच्छा अब जा रहे हैं जी वापसी घर, और दुआ भी हो गई, अगरबत्तियाँ भी चढ़ गई, सब कुछ हो गया, तो घर जाते हैं। जी तो बस साला मेरा काफ़ी ज़्यादा परेशान बैठा है यार, इसको मैंने पूछा भी है क्या वजह है, बोलता है यार मेरी फ्रेंड मुझसे रूठी हुई, क्या वजह है शानी भाई?
फोन नहीं आ रहा सुबह का उसका। अरे कहना क्या चाहते हो? क्यों पता नहीं क्या उसको, क्या नहीं हुआ। तो क्या कोई बात हुई है क्या, कोई वजह हुई है क्या? कोई बात भी नहीं हुई ना, की वजह हुई है बस, ऐसे ही फोन नहीं कर रही हो। तो मुझे नंबर दो, मैं बात कर लेता हूँ। खत्म। आप क्या बात करोगे उसके साथ? मैं उसको बोलूंगा भाई इतना प्यारा हमारा शानी भाई है, ऐसे आपने क्यों बात खत्म की है, बात करें ऐसे आप। देख लेना कोई और चक्कर ना चला। नहीं नहीं कुछ भी नहीं होगा भाई, कुछ भी नहीं। मेरे पे यकीन नहीं आप। बहुत तेज हो रहे हो हैं। शक पड़ रहा है मुझे आपसे। नहीं नहीं मुझसे क्या शक पड़ना है यार, आप खुद उसे दोस्ती ना करें। नहीं नहीं मैं क्यों दोस्ती में। चलो मैं सोचता हूँ, आप सोचें उसके बाद मुझे बताएं तो मैं फिर करता हूँ। वादा करें आप। नहीं नहीं मैं प्रॉमिस। नहीं नहीं भाई आपके साथ कोई ड्रामा नहीं। चलो ठीक है फिर मैं दूंगा नंबर आपको। चलो कोई उसके साथ हम फिल्म चलाएं। चलो ऐसा कर लें, कोई फिल्म चलाते हैं कि भाई शानी भाई का जो है वो खुदा ना खासा अगर एक्सीडेंट हो गया है तो वो फला अस्पताल पे देखते हैं, अगर सच्ची होगी तो वो आप पहुँच जाएगी, हम साइड पे खड़े होंगे। चलो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ये भी बात ठीक है, ये सही है ना। अगर चाह तो होगी इसको तो भी ठीक है, आ जाएगी कर लेगी। हाँ। A few inches later. अब सुबह का ब्लॉग पोस्टिंग में लगाया हुआ, अभी तक ब्लॉग पोस्ट नहीं हुआ, अभी तक अपलोडिंग 19% पे रुका हुआ है। नेट इतना कोई बेकार और घटिया हो गया है यहाँ पे कि जिसकी कोई हद नहीं है। अब अभी टाइम हो रहा है तकरीबन, टाइम मैं आपको बता देता हूँ टाइम क्या हुआ है। ये देखें 17:44 6:00 टाइम हो रहा है, ठीक है 17:05 हो रहा है। अभी तक नेट वर्क नहीं कर रहा, नीचे आवाज़ें आ रही हैं कि आके रोटी खा लो। मैंने कहा रोटी मेरी यहीं भेज दो, ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, नेट रुक जाएगा। लेकिन बस अब सारे नीचे हैं तो मुझे भी जाना पड़ेगा। A few inches later. तो उसने ना मैं बाबा गए तो हम ना अंदर बैठे तो ना ये मेरी जूती पहनी जाए तो ना मैंने उसको ऐसे किया मेरी जूती पहन जाए मैंने उसको ऐसे किया तो मुझे इतना मुक्का मारा है। अभी ऐसा है कि बच्चों से हम करते हैं सिंधी में बात और उनसे देखते हैं कि इनको सिंधी समझ आती है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा बेटा मैं करूँ फिर आपसे सिंधी में बात? जी मुझे आता है। अच्छा तुम जो नालो शाह है क्या 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 दोबारा बोलो, कुत्ती दी पुत्र तू जो नालो शाह है कुत्ती दी पुत्र ओए पागले ता पता है मतलब की या तेरा नाम की है गजब बेइज्जती है। अच्छा ताजी जात केड़ी है, ताजी जात छा है? कश्मीरी बात। भाई वेल डन भाई, ये समझ गए, ये समझ। तो केड़ी क्लास में ही? 3। ये भी सही है। आज मानी के है ठाई हुई, आज टेबल की ठाई हुई। अच्छा जी बस तो अभी हुआ है रात का टाइम, सोने की हो रही है तैयारी। कल हमारी रवानगी लाहौर के लिए वापसी साली के घर। 15 तारीख की टिकट हुई है, मतलब 15 तारीख को हम सुबह सवेरे निकलेंगे 6 बजे और उसी डेट को हम रात को 11 से 12 बजे पहुंच जाएंगे। ब्लॉग को एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ मेरा आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल में नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छे ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।